नमस्कार आदाब, मैं हूं श्याम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं ट्रेवल मस्ती। दोस्तों, मेरे साथ ट्रेवल मस्ती के कैमरामैन अजय कुजूर जी बैठे हुए हैं मेरे साथ में, और अभी हम लोग बाइक में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा बाइक है, और इस वक्त हम लोग अपने शहर से, अपने तहसील से 5 या 6 किलोमीटर दूर एक गांव जा रहे हैं। वहाँ पे गिलोई का पौधा है, पौधा या लता कहें या फिर बेल कहें, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और हमारे आसपास तो नहीं है, एक है लेकिन बहुत छोटा है और बहुत कम उसमें बेल लगा हुआ है। और जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी 6 किलोमीटर दूर में उस गांव में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त मतलब लगा हुआ है, तो वहाँ से हम उसका टहनियाँ काट कर लाएंगे। और अजय कुजूर जी का जो बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा, अभी मैं आने के बाद आपको दिखाऊँगा, पहले वहाँ से जो है गिलोई का जो टहनी है वो हम लेकर आएंगे, और वहाँ पे हम इनके बगीचे में, अजय कुजूर जी के बगीचे में अभी हम लगाएंगे, और उसके बाद का बात जो है मैं वो जो पौधा है, वो जो गांव है, वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ, फिर इनका बगीचा चलेंगे और वहाँ पे किस तरह से हम उसे लगाते हैं, और वहाँ पे वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम अपने बाइक से आए हैं, पीछे हमने अपने बाइक लगाया हुआ है, और यहाँ पे 2 पेड़ में गिलोई लगा हुआ है। इसका जो टहनियाँ है बहुत झाड़ीदार होता है, एक आम का में लगा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक आम का में लगा हुआ है, और एक इमली का पेड़ में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। अभी मैं सामने फ्रंट कैमरा से आपको दिखाऊंगा, और एक जो है वो इमली वाला में लगा हुआ है। तो चलिए, अजय कुजूर जी अभी चाकू लेकर आए हैं, और अभी यहाँ पे टहनिया को अजय कुजूर जी काटेंगे, मैं उसको दिखाऊंगा, और अपने यहाँ लगाएंगे उसको ही मैं दिखाऊंगा। तो पकड़िए अजय जी इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आम का जो पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा गिलोई का जो झाड़ी है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने से, और ये देखिए बहुत ऊंचा तक गया हुआ है ये। तो अब मैं ज़रा सामने आपको जूम करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है ये गिलोई का झाड़ी बोले या फिर लता बोले या फिर बेल बोले, ये आम का पेड़ में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। और मैं ज़रा और आगे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जी, इमली का पेड़ में भी लगा हुआ है, और इसका खासियत बताना चाहूँगा, ये उगता तो ज़मीन से ही है, हालांकि हर जो पौधा पेड़ जो भी होता है वो ज़मीन से उगता है, लेकिन इसका एक खासियत है कि ये ज़मीन से उगेगा और किसी न किसी पेड़ का ये सहारा लेता है। और ये अभी सहजना का जो पौधा है, ये पौधा पेड़ इसमें भी कुछ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बिना पेड़ का सपोर्ट का ये मतलब रहता ही नहीं है, ये ज़मीन से उगेगा ज़रूर लेकिन पेड़ का सपोर्ट में ही रहेगा। और ये इमली का ये जो पेड़ देख रहे हैं, छोटा सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है गिलोई का, ये जो जड़ी है ये बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे है गिलोई का, और इधर भी अभी फैल रहा है, इधर आम की तरफ चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं ये आम का पौधा में भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आने वाला समय में बहुत ज़्यादा इसमें आम का पौधा में भर जाएगा ये। इसका खासियत है कि ये जड़ के जैसा होता है, मैं ज़रा सामने से दिखा दूँ आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इसमें कुछ चींटियाँ भी चढ़ रही हैं, ये होता है गिलोई। अब यहाँ पे अजय कुजूर जी अभी इसको काटेंगे, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है गिलोई का पौधा, या फिर यहाँ जड़ बोले, यहाँ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये सकते हैं मोटा, ये ज़रा पतला है, देखिए आप, ये ऐसा शुरू होता है, आप ये देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना पतला से ये चालू होता है, और ये जब परिपक्व होता है, बड़ा होते 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 जो है, देखिए आप, इस तरह का इतना मोटा है, और देखिए ऊपर तक
और उसके बाद ये फिर मोटा, इतना मोटा हो जाता है, आप देख सकते हैं। और अजय कुजूर जी पकड़े हुए हैं इनको, देखिए ये जो है ना इतना मोटा, इतना मोटा तक भी आ जाता है। ये देखिए ये गिलोय का पौधा, और इसके विशेषता तो आप जान ही रहे हैं। अब जैसा कि कोरोना चल रहा है तो लोगों को मिलता नहीं है, तो अजय कुजूर जी ने कहा कि चलिए हम अपने यहाँ अपने बगीचे में लगाते हैं, और किसी को भी ज़रूरत पड़ेगा अपने गाँव घर में तो वो मतलब कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत सक्षम है। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अजय कुजूर जी का घर, और ये इनका बगीचा है, बहुत बड़ा बगीचा है, एकड़ों में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत तरह का पेड़ पौधा इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे जैक फ्रूट है, जैसे कि कटहल, हम हमारे भाषा में या फिर हिंदी में कटहल कहा जाता है, इंग्लिश में जैक फ्रूट है। और आप देख सकते हैं ये जड़ तक लगा हुआ है, ये अजय कुजूर जी का बगीचा है। और यहाँ पे बहुत सारा फूल वगैरह, और यहाँ पे ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ है, ये ज़मीन तक में निकल आता है अजय कुजूर जी का ये कटहल का पेड़, ज़मीन से भी उगा हुआ है। और बहुत सारा इसमें पेड़ पौधा, आम का है, लीची का है, नारियल का है, और फूल पत्ते वगैरह वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे। ये जो पान में खाते हैं सुपारी, उसका भी पौधा लगा हुआ है। और सामने वाला पेड़ क्या चीज़ है वो हुजूर जी, वो महुआ का पेड़ है क्या? हाँ, ये महुआ, हाँ ये महुआ का पेड़ है, जिसे शराब भी बनाई जाती है, लेकिन ये तो अपने औषधि के लिए रखे हुए हैं, एक्चुअली में इसे औषधि बनता है। अच्छा, क्रिसमस ट्री है, बंगाली में तो झाऊ गांच बोलते हैं। अच्छा, क्रिसमस ट्री है ना। तो चलिए अजय कुजूर जी अभी जो लगाएंगे गिलोय का पौधा, सिर्फ गिलोय का पौधा इनके बगीचे में नहीं था, तो इन्होंने कहा कि एक औषधि है, बहुत कुछ है यहाँ पे हमारे बगीचे में, लेकिन सिर्फ गिलोय रह गया था, तो गिलोय का जो है अभी डंटी हमने तोड़ के लाया और आपको दिखाया। अब अजय कुजूर जी अभी फावड़ा वगैरह लेकर आ रहे हैं, और अभी वो लगाएंगे नीम का पौधा, हम लगाना है ना नीम में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अजय कुजूर जी फावड़ा लेकर आ गए हैं, कुल्हाड़ी जिसको कहा जाता है, और ये नीम का पेड़ है, पौधा कहेंगे, पेड़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नीम का है। और नीम के नीचे जो गिलोई रहता है, या फिर नीम के ऊपर जो गिलोई रहता है, वो सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे बहुत सारे यहाँ पेड़ हैं, कहीं भी लगाया जा सकता था, लेकिन नीम में लगाना सर्वोत्तम रहता है, और इसका गुण भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये टुकड़ा टुकड़ा जो काट रहे हैं गिलोई को, अभी यहाँ सामने में यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद नीम का गिलोई अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो कोई भी पेड़ मिल जाता है ये, हाँ जहरीला पेड़ या पौधा में गिलोई को आप नहीं पाइएगा, और क्योंकि यह औषधि है तो जहर वाले पौधे में ये नहीं उगता है या फिर नहीं चढ़ता है। तो फ्रेंड्स, 10 दिन के बाद मैं फिर देखने के लिए आया, तो यहाँ पे ये जो गिलोय हमने लगाया था 10 दिन पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका पत्ता निकल आया है हरा हरा, ये 10 दिन के बाद का है। अब यही पत्ता जो होगा, ये पत्ता इस तरफ से मतलब मुड़ के यहाँ पे इमली का जो ये पेड़ है इसमें पूरा ऊपर तक उठेगा, और ऊपर जाके पूरा ये झाड़ी बन जाएगा। और ये जो नीम का गिलोय होता है वो सर्वोत्तम होता है, सर्वगुण संपन्न होता है, क्योंकि ये जो गिलोय है ये इसमें जब चढ़ेगा, नीम का पौधा में जब चढ़ेगा तो इसका भी गुण को वो अपने अंदर ले लेता है, मतलब खींच लेता है, ये गुण है गिलोय में। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ट्रेवल मस्ती में आपको जलधारा पिकनिक स्पॉट और ऐतिहासिक मंदिर जगह वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको, तो हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेवल मस्ती को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। यदि आपने हमारा चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में विजिट करें, और पिकनिक स्पॉट, ऐतिहासिक धरोहर वगैरह जो देखना है आपको तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।